आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। किसान गर्जना रैली में मंडी से जाएंगे 300 किसान, बोले कर्म सिंह सैनी। देखते हैं हिमाचल प्रदेश ब्यूरो प्रमुख पीसी शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद ठाकुर, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ मंडी इकाई। ये जो भारतीय किसान संघ की राष्ट्रीय स्तर पर किसान गर्जना रैली हो रही है, उसके लिए मंडी जिला से लगभग 300 किसान जो है भाग लेने का जो हमारा लक्ष्य रखा गया है, और ये इस लक्ष्य तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। जहां तक कृषि उत्पादन को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, वहीं हिमालयी राज्यों के किसानों का उत्पाद जो फलों के क्षेत्र में, सब्जियों के क्षेत्र में, फूलों के क्षेत्र में, गौ पालन के क्षेत्र में, मधुमक्खी के पालन के क्षेत्र में, या मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में हमारा किसान बड़ा है, लेकिन बाजार में जाकर के उसको उस हिसाब से लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिलता, तो इन बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए ये भी भारतीय किसान संघ की जो गर्जना रैली है उसका हिस्सा बने, उस हिमालयी राज्यों के किसानों को भी उसी तर्ज पर मूल्य मिले, इसलिए भारतीय किसान संघ को प्रयास कर रहा है। धन्यवाद शर्मा, भारतीय किसान संघ जिला मंडी की तरफ से मंत्री पद का दायित्व है, और हम जो है भारतीय किसान संघ की तरफ से अपने हिमाचल से दिल्ली गर्जना रैली के उपलक्ष्य में अपने मंडी जगह से लगभग 300 लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो हमारी जो कुछ किसानों की मांगे हैं उनको केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन के तौर पे हम आग्रह करेंगे कि हमारी मांगों को जो है पूरा किया जाए, जो कि किसान अपने मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ रहा है आज तक, जैसे लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, और हमारी जो है दूसरी जो किसान सम्मान निधि, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने पहले ही रूबरू कर दिया है, तो मैं ज़्यादा न बोलता हुआ बस अपने किसानों की मांगों को लेकर के जो है हमारी मांगें पूरी की जाए। धन्यवाद। सिंह सैनी, भारतीय किसान संघ की तरफ से प्रांत उपाध्यक्ष, 19 दिसंबर 2022 को रामलीला मैदान में गर्जना रैली भारतीय किसान संघ के बैनर तले होने जा रही है, जिसमें भारत के 560 जिलों के किसान भाई भाग ले रहे हैं। जो किसानों की समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या लागत मूल्य पर आधारित खेती, जिसमें जो किसानों का प्रोडक्शन और कॉस्ट के ऊपर प्राइस मिलना चाहिए, वो सबसे बड़ी डिमांड है। जो दूसरी डिमांड है जीएसटी के ऊपर, जो कृषि कार्य में जो वस्तुएं यूज होती है वो उनको जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाए, और किसान समाधान निधि जो है वो बढ़ाई जाए। धन्यवाद। ये 2 पढ़ाएगा।